आज 25 सितंबर पिछले 24 घंटा का जो रेनफॉल रिपोर्ट मिला है इसमें नॉर्थ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम बारिश, साउथ उड़ीसा में एक दो जगह करके हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। और ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट में भुवन में हाइस्ट रेनफॉल 68.0 मिलीमीटर हुआ। सुकिंदा जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में 35.0 मिलीमीटर, तेलकॉय केवंझा डिस्ट्रिक्ट में 34.3 मिलीमीटर इस तरह से रेनफॉल हुआ है। तो इस वजह से हमारा अभी सीजनल स्थिति जो आया है 1 जून से 25 सितंबर तक 1125.3 मिलीमीटर टोटल रेनफॉल अभी तक हुआ है और 1129.8 मिलीमीटर इस समय तक स्वाभाविक होता है। तो 0% डिपार्चर है, स्वाभाविक है। और जिला वाइज जो है इसमें झारसुगुड़ा मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक से 20% मोर रेनफॉल हुआ है, एक्सेस रेनफॉल है। खुर्दा गजपति पुरी बालासोर ये चार जिला में 20% इसका स्वाभाविक से 20% से 20% और मोर कम बारिश हुआ है, तो इसमें डेफिशिएंट कैटेगरी में है। बाकी 24 जिला स्वाभाविक प्लस माइनस 19% का अंदर है, स्वाभाविक बारिश कैटेगरी में है। अभी हमारा मानसून का जो क्लाइमेटोलॉजिकल सीजन होता है इसमें ऑलमोस्ट एंड में आ रहा है, तो इस समय अभी राजस्थान से मानसून विथड्रॉल स्टार्ट होने का होता है। तो अभी हमारा जो फोरकास्ट है इसमें 28 सितंबर का आसपास से राजस्थान से मानसून विथड्रॉल होने का शुरू होने का चांसेस है। और मानसून ट्रफ अभी पंजाब से लेकर मणिपुर तक जा रहा है, यूपी बिहार एंड नॉर्थ बंगाल का थ्रू। तो मानसून ट्रफ नॉर्थवर्ड लोकेशन में ही है, बट हमारा बिहार से लेकर के नॉर्थ इंटर उड़ीसा का तक एक ट्रफ लाइन है, जिसका वजह से जो अभी वेदर फोरकास्ट हमारा अगला 5 दिन के लिए है, फिर अगला 24 आवर्स में उड़ीसा का साउथ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में कोई स्थानों पर मीन्स मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश होगा। नॉर्थ इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ जगह में थंडरस्टॉर्म का साथ बारिश होगा। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का वार्निंग भी है। ओनली कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट कंधमाल, कालाहांडी, ओंगोल, ढेंकनाल, केवंझर, मयूरभंज और हेवी रेनफॉल मलकानगिरि, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, कंधमाल ये जो 5 जिला है इसका संदर्भ में एक दो जगह में हेवी रेनफॉल हो सकता है। यह है अगला 24 घंटा के लिए मीन्स आज 25। उन्होंने पहले से ही बोला था तो 25 में थोड़ा सा रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज होगा, बट फिर रेनफॉल एक्टिविटी डिक्रीज होगा। कल से रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगा, मेनली साउथ कोस्टल एंड साउथ इंटीरियर का मालकानगिरि, कोरापुट, रायगढ़, कंधमाल ये सब डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा रेनफॉल एक्टिविटी अगला 26 से 28 तक कुछ कुछ जगह में रहेगा, बाकी जगह में एक दो जगह करके रहेगा। मीन्स रेनफॉल एक्टिविटी 26 से 28 कम ही रहेगा। 29 को साउथ में थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, बट नॉर्थ में एक दो जगह करके ही रहेगा। यही है भुवनेश्वर एंड कटक को दोनों हमारा जो कैपिटल सिटी एरिया है इसमें आज जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा और कुछ कुछ एरिया में हल्का से मध्यम बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का होने का चांसेस है।